अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। तो आज मैं बबल सॉर्ट के मतलब आप लोगों को बताऊंगा कि बबल सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है, फॉर लूप इसके अंदर किस तरह वर्क करता है, रिटर्न फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। आपने एट द एंड तक वीडियो देखनी है। अगर समझ आए तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करना, अगर समझ ना आए तो कुछ भी बोल सकते हैं आप मुझे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से पहले मैंने अपना सारा फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैं एक एक चीज़ इसको क्लियर करूँगा। ये टाइप करते हुए मेरी स्पीड इतनी खास नहीं है कि मुझे टाइपिंग में मैं थड़ा थड़ लिखता जाऊँ, तो इसलिए मैंने अपना फंक्शन सारा लिख लिया। तो मैं बता दूँगा, कोई चीज़ नहीं बता दूँगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको हर चीज़। तो सबसे पहले मैंने कहा कि हमारा जो फोर लूप है वो किस तरह से वर्क करता है। तो फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ये एक ब्रैकेट है, दूसरी ब्रैकेट है, तीसरी ब्रैकेट है, चौथी ब्रैकेट, ये चार ब्रैकेट लिखी हैं। तो इसके अंदर जो ये वाली ब्रैकेट है ना, अंदर वाली रेड वाली, ये सबसे पहले सॉल्व होगी, फिर ये ग्रीन वाली जो है ये सॉल्व होगी, फिर ये जो ब्लू पिंक कलर वाली ये सॉल्व होगी, फिर ये येलो वाली ये सॉल्व होगी। अगर इनके अंदर कोई चीज़ है तो वो भी साथ साथ सॉल्व होती जाएंगी। तो चलते हैं, इतनी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आएगी तो जब ये फोर लूप काम करेगा तो समझ आ जाएगी। फोर लूप बेसिकली आपके काम को बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। जो काम आपने महीने लग जाने आपको करने में, वही काम आपका ये सेकंड में कर देते हैं। तो ये फोर लूप है, फोर लूप एक्स इन रेंज फाइव, ये मैंने अपने से लिखी है रेंज, ये भी अपने से लिखी। हमारी जो मतलब फोर रेंज है ना, ये पांच दफ़ा आइटरेट करवाए, ये पांच दफ़ा प्रिंट करवाए, किसको, हमारे जो ये फोर वाई इन रेंज थ्री वाला ना, इसको पाँच दफ़ा रन करवाए। अब जाहिर सी बात है कि ये जो फोर लूप है, कि अंदर फोर लूप है, इस ये जो वाई वाला, इसकी भी ख्वाहिश होगी ये कि ये जो इसके अंदर है ना ये प्रिंट वाला फंक्शन, इसको तीन दफ़ा रन करवाए। तो हमारा जो ये फोर लूप है, ये अपनी फर्स्ट जो है, अपनी फर्स्ट आइटरेशन जो है उस पर ये जो फोर लूप वाई वाला है, इसको पूरा रन करवाएगा एक दफ़ा, मतलब कि ज़ीरो वन टू ये पूरे लिखे गए एक दफ़ा, फिर ये वापस आ जाएगा अपने इस वाई, इसके पास फोर एक्स के पास, फिर ये अपना वन वाला इंडेक्स को इटरेट करवाएगा। जब ये वन वाला इटरेट करवाएगा तो ये फिर एक दफ़ा पूरा रन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपना नेक्स्ट काम करेगा, सेकंड पर आएगा, फिर ये इसको पूरा रन करवाएगा। इसी तरह इसका मतलब है कि जो ये फोर है उसका एक दफ़ा इटरेट होगा, इसके अंदर वाले का पूरा इटरेट होगा, फिर उसका अगला होगा इटरेट, तो फिर ये पूरा एक दफ़ा रन होगा कोड। तो समझ आ गई होगी, मतलब कि हमारा जो फोर लूप है उसने क्या करना है, अपना एक दफ़ा काम करके छोड़ दिया, उसके अंदर जो है उसने अपना पूरा काम करके छोड़ना है। अगर वाई के अंदर मैं एक और फंक्शन लिखता हूँ फॉर जी इन रेंज, फॉर जी इन रेंज, ये मैंने टू लिख दिया है, तो अब ये क्या करेगा, हमारा जो फोर है इसने भी एक दफ़ा इटरेट करवाना है, वाई ने भी एक दफ़ा इटरेट करवाना है, और ये जो वाई के अंदर है ना ये वाला फंक्शन, ये वाला इसने भी पूरा एक दफ़ा इटरेशन होनी होगी इसकी भी, ये भी एक दफ़ा ये पूरा रन होगा, सॉरी ये जो जी लिख दिया मैंने, ये जो जी वाला है ना, ये जी वाला, ये पूरा इटरेट होगा कब, जब ये दोनों एक एक दफ़ा अपना करके आ चुके होंगे, जब ये पूरा एक दफ़ा रन हो जाएगा तो ये वापस इनके पास जाएगा, वापस इनके पास आएगा। तो मैं इसको एक दफ़ा कमेंट आउट कर देता हूँ, तो मैं अपना जो हमारा वाई वाला उसी को रन करवाते हैं ताकि आपको उसकी समझ क्लैरिटी से आ जाए। तो रन करवाते हैं, ये देखिए अब ये मेरे पास रन होकर आ गया। ये जो फर्स्ट हमारी आइट्रेशन हुई है वाई की, पहले इनकी जो काउंटिंग वो कर लें, ये देखें वन टू थ्री फोर और ये फाइव, मतलब कि जो हमारा ये जो फोर लूप है ये पांच दफ़ा चला है, ये पांच दफ़ा, और पांच में जो है ये हर दफ़ा चला ना, मतलब कि हर अपने जो आइट्रेशन है ये वाला, इसने अंदर वाले को पूरा रन करवाया है, अंदर वाले ने अपना पूरा काम किया है, ठीक है। तो इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आपको ये किस तरह से काम करता है। ये जो मैंने वाई लिख, ये मैंने मतलब माइनस का निशान लगाया ब्रैकेट के अंदर, तो अपने कॉमा के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारी एंड है ना, ताकि हमें इस चीज़ की समझ आ जाए कि ये सेपरेट आए, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। तो ये ज़ीरो है, ये वन है, ये टू, इसके ये वाला फंक्शन पूरा रन होगा। अब मैं अपनी बबल सॉर्टिंग में आता हूँ, वो किस तरह से काम करती है। बबल सॉर्टिंग में हमने करना ये है कि बबल सॉर्टिंग यार होती कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारा प्रोग्राम डेवलप किया है, जो हमने खुद ही प्रोग्राम अपना डेवलप किया है,
मगर ना बबल सॉर्ट इसका नाम इसलिए रखा कि हमने बबल के जरिए बबल हम क्रिएट करते हैं, बबल के जरिए हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको स्वैप करवा देते हैं। तो बबल सॉर्टिंग ये हमारा खुद का रखा गया एक नाम है, मगर ना ये कोई चीज़ नहीं है। ये देख लें आपके सामने एक प्रोग्राम है, इस तरह के हम प्रोग्राम कितने जनरेट्स कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसका नाम बबल सॉर्टिंग रखा गया कि ये किस तरह से काम, क्योंकि ये बबल किस तरह काम करता है इसलिए हमने इसका नाम बबल सॉर्टिंग रख दिया। तो आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको सही लगता है, लेकिन जो इसका ऑथेंटिक नेम है जो लोग अक्सर यूज़ करते हैं वो बबल सॉर्टिंग है, ताकि उनको समझ आ जाए कि ये किसका नाम ले रहे हैं। तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई इतना बड़ा बात नहीं है। तो बबल सॉर्टिंग वर्क किस तरह करता है, बबल सॉर्टिंग में हमने ये देख रहे होते हैं कि हमारा बड़ा नंबर कहाँ है, छोटा नंबर कहाँ है। फिलहाल हमने ये देखा कि हमारा, और उनको स्वैप करवा रहते हैं, छोटे को पहले ला रहे थे और बड़े को एंड पर ले जा रहे होते हैं, छोटे को पहले और बड़े को एंड पर, छोटे को पहले, और इस तरह हम करते करते जब सारे छोटे पहले आ जाएंगे और सारे बड़े एंड पर चले जाएंगे तो हमारी वो जो लिस्ट है, जो भी कपल, जो भी टप्पल शप्पल जो भी होगा ना, वो क्लियर हो चुका होगा, वो हमारी सॉर्ट होकर आ चुकी होगी। इसमें हमारा फाइव है ना, तो मैंने फाइव को कहा है कि अगर ये जो फाइव है ये बड़ा है, मतलब कि अपने वन इंडेक्स के, यहाँ पर वन इंडेक्स होगा इसका, इधर मैं इसको कमेंट करके नीचे ना इसकी लिख देता हूँ आपको प्रॉपर समझ आ चुके, इसका ज़ीरो इंडेक्स है, इसका वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नाइन है, टेन है, इलेवन है। मैं ना इनकी पूरी प्रॉपर करता हूँ इनका इंडेक्स के हिसाब से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब ये देखें, अब फाइव का इंडेक्स यहाँ पर ज़ीरो है और वन का इंडेक्स यहाँ पर वन है, सिक्स का इंडेक्स टू है और थ्री का इंडेक्स थ्री है। तो अब इस चीज़ में हमने स्वैपिंग करवानी होती है कि जो हमारा ज़ीरो इंडेक्स है उसको वन कर दें और जो वन है उसको ज़ीरो कर दें, जो वन है उसको टू कर दें और जो टू है उसको वन कर दें, टू को थ्री कर दें और थ्री को टू कर दें। इससे हमने स्वैपिंग करवानी है इनकी। ये स्वैपिंग इस तरह से करवानी है कि बड़े को पहले कर दें और छोटे को बाद में कर दें, सॉरी छोटे को पहले कर दें और बड़े को बाद में कर दें। तो सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की जहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया उसमें जाते हैं। ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैंने उसको डबल अंडरस्कोर से डोनेट किया, मतलब जाहिर किया, डोनेट तो नहीं कहते, जाहिर किया, उसको असाइन किया, उसको असाइन कह सकते हैं, असाइन किया ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए। तो जो हमारी ये जो लिस्ट है सिंगल अंडरस्कोर वाली, उसको मैंने कह दिया कि वो हमारी लिस्ट है, हमने उसको बता दिया है कि ये हमारी लिस्ट है, ताकि जो हमारा प्रोग्राम उसको पता चल जाए कि जी भाई जी वो इसने असाइन किया ना ये जो बाहर वाला फंक्शन, ये लिस्ट है। वैसे तो ये ऑलरेडी समझ जाएगा कि ये लिस्ट है, लेकिन अगर आप लिस्ट असाइन कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम उसमें कोई बग्स नहीं आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर मैंने उस लिस्ट का साइज़ मालूम किया कि मेरी लिस्ट का साइज़ क्या, फिर मैंने 4x को चलाया, रेंज कहाँ तक, रेंज तक -1। अब ये जो -1 है ये मैंने इसलिए लिखा, हमने इस अपने प्रोग्राम को चकमा दिया है कि भाई हमारा जो एंड वाला एलिमेंट है ना वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, आपने उसको कुछ नहीं करना, वो हमारे पास सॉर्टेड की फॉर्म हो चुका है। हालांकि यहाँ पर 2 है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये तो छोटा है, उससे पहले बड़ा है। तो मैंने उसको, लेकिन हमारे प्रोग्राम को ये कहा कि हमारा वो सॉर्टेड हो चुका है, आपने उसको कुछ नहीं करना। सेम इसी तरह हमने वाई अपना जो ये लूप है उसके अंदर कहा है कि भाई जो हमारा एंड वाला एलिमेंट है ना, ये लिखा बिकॉज एंड वाला ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है, हमने कह दिया कि हमारा एंड वाला जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, आपने उसको कुछ नहीं करना। इसके अलावा अगर हमारा लिस्ट वाई वाला, यहाँ पर लिस्ट वाई इंडेक्स को ज़ाहिर कर रहा है, ये जो इंडेक्स है 1, 0, 1, 2, 3, इन इंडेक्स को ज़ाहिर कर रहा है, तो अगर तो ये वाई हमारा जो ज़ीरो इंडेक्स है, यहाँ पर ज़ीरो होगा, ये वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, हमारा प्रोग्राम इसको खुद ही डिटेक्ट कर लेगा इसके मुताबिक, हमारे इन फोर लूप्स के मुताबिक खुद ही डिटेक्ट कर लेगा इस फोर लूप के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर फोर वाई वन है ना, ये ज़ीरो पर भी अट्रैक्ट होगा, वन पर भी अट्रैक्ट होगा, टू पर भी, जितनी इसकी लेंथ हो उतनी दफ़ा अट्रैक्ट होगा। तो मैंने कहा कि अगर ये वन है, अगर ये ज़ीरो है और ये वन से बड़ा है, अगर ये ज़ीरो है, इसका यहाँ पर ज़ीरो है और ये वन से बड़ा है, मैं इसको भी एक दफ़ा कमेंट नीचे कमेंट इसका शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर ये ज़ीरो है, अगर ये ज़ीरो है और अगर ये जो है ये मेरे पास 0+1 है, समझ तो आ गई होगी आपको कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वाई को मैंने ज़ीरो है और ये वन है, तो इनकी स्वैपिंग करवा देनी है। ये जो ज़ीरो वाला ना, ये वाला, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये ज़ीरो, इनकी स्वैपिंग करवा देनी है। मतलब कि ये जो चीज़ है
ये चीज़ वन इधर वाले वन के बराबर होगी और ये जो वन है ये इधर वाले टू के बराबर होगी। ये टू वाली चीज़ है, अगर मैं देखूँ इनको नंबरिंग दूँगी तो ये वन पर है, ये टू पर है। तो इधर वाला जो वन है ये इधर वाले के वन के बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के हमने बराबर की है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा फर्स्ट है वो फर्स्ट के बराबर होगा, जो सेकंड है वो सेकंड के बराबर होगा। तो इधर जो फर्स्ट है उसका इंडेक्स ज़ीरो है और इधर इसका वन है, इधर जो इसका वन है और इसका इधर ज़ीरो है, एलिमेंट को स्वैप किया है और अब हमने रिटर्न कर दिया लिस्ट। अब ये जो रिटर्न फंक्शन है ये हमें हमारी जो चीज़ है ना उसको वापस भेज देता है, किसके पास, ये जो हमने पास किया जो इसका आर्ग्यूज पास किया लिस्ट वाला, लिस्ट वाला इसके पास भेज दिए। इसने क्या किया कि हमारे इस रिज़ल्ट में जाकर ये जो वैल्यू है इसे असाइन कर दिया, हमने उसको अपने रिज़ल्ट को प्रिंट करवा देना है। अब ये रिज़ल्ट, ये रिटर्न वाला फंक्शन भी बड़ा ना कमीना बनता है, ये बहुत ही ना हमें चकमा दे सकता है कि हमने इसको यूज़ कहाँ पर करना है। तो ये रिटर्न वाला बेसिकली होता है इस तरह कि जब ये हमारा डिफाइन वाला फंक्शन पूरा काम कर जाए, सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पूरा काम हो जाए, तब हमने अपनी रिटर्न लिस्ट वापस करनी है, तब हमने अपनी रिटर्न लिस्ट वापस करनी है। अगर मैं इसी चीज़ को लिखता हूँ यहाँ पर, अब इसने क्या करना है कि ये जो हमारा जो फोर लूप के अंदर वाला ये जो है ना हिस्सा, जब ये सारा क्लियर हो जाए, जब ये सारा काम कर जाए, तब आपने हमारी लिस्ट वापस कर देनी है। अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, तो तब इसने कहा कि ये जो हमारा फोर लूप वाला है ना, ये वाला इसके अंदर वाला ये जो फंक्शन है, जब ये सारा काम कर जाए तब आपने हमारी लिस्ट वापस कर देनी है। अगर मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पर इस जगह पर, तब इसने कहा कि ये जो हमारा इफ़ वाला स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर वाला जो है, जब ये एक दफ़ा क्लियर हो जाए तो आपने हमारी लिस्ट वापस कर देनी है। तो इसको हमने, ज़ाहिर सी बात है हमने अपनी लिस्ट सॉर्ट करवाना है, तो हम इसको शुरू में लिखते हैं यहाँ पर इस जगह पर, इस डिफाइन वाले फंक्शन पर। तो इसको मैं रन करवा देता हूँ एक दफ़ा। हमारी ये जो देखें हमारी जो लिस्ट है वो अनसॉर्टेड है, हमने इसको सॉर्ट किया है। ये देखें जी हमारी लिस्ट सॉर्टेड हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 34, 45, 56, 36, 90, ये सारी सॉर्ट हो चुकी है, ये सारी आगे पीछे हो चुकी है। तो आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर समझ नहीं आई तो कमेंट लाजमी करना, मैं आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँगा। अगर इसी तरह की और वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो लाइक कमेंट और शेयर, और सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।